Hello dear students, myself Dr. Sangeeta, assistant professor in zoology, Swami Vivekanand Government College, Khetri. I welcome you all in BSc part 3. Dear students, this year I will be taking your zoology paper 3, that is applied zoology, ethology and biostatistics. जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, एप्लाइड जूलॉजी. एप्लाइड जूलॉजी में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जूलॉजिकल ऑर्गेनिज्म्स जो होते हैं उनका हम ह्यूमन वेलफेयर में यूज़ कर सकते हैं, प्लस कुछ जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो कुछ ह्यूमंस में कुछ डिजीज़ कॉज करते हैं, तो कौन कौन से डिजीज़ हैं, उन्हें कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है इसके बारे में. एथोलॉजी जो है वो आपकी इस बुक का सेकंड सेक्शन है. एंड स्टूडेंट्स, एथोलॉजी इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर. यानी हम इसमें कुछ वो टेक्निक्स पढ़ेंगे जो कि एनिमल बिहेवियर से रिलेटेड हैं, और कुछ रिसर्च वगैरह के बारे में पढ़ेंगे हम. एनिमल्स की कुछ सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ेंगे. हियर इज़ द सिलेबस. This is the syllabus of your section A, that is applied zoology, जिसमें वर्मिकल्चर, सेरिकल्चर, लेग कल्चर, एपिकल्चर, प्रॉन कल्चर, पोल्ट्री कीपिंग, पिसीकल्चर, इन सारे कल्चर्स के बारे में पढ़ेंगे. और कुछ एक जो अपने एनिमल फाइलम्स हैं उनके अपन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, जब भी बात इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की आती है तो उसमें प्लस एंड माइनस दोनों तरह के इफ़ेक्ट्स काउंट किए जाते हैं. यानी कि हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी कंसिडर करते हैं और बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स भी कंसिडर करते हैं. तो उसमें हम प्रोटोजोआ का जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो पढ़ेंगे, कॉरल्स एंड कॉरल रीफ्स के बारे में पढ़ेंगे, हेलमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, आर्थ्रोपोड्स में स्पेशली इंसेक्ट के बारे में पढ़ेंगे एज ए इंसेक्ट पेस्ट एंड उनके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे. देन हम मोलस्का में पढ़ेंगे कि पर्ल कल्चर क्या होता है, कैसे किया जाता है, वो पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे. देन दिस इज सेक्शन बी इज़ अबाउट एथोलॉजी, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि हम फेरोमोन्स के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल क्लॉक्स एंड बायोलॉजिकल रिदम्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ इथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, और जो ब्रेन बिहेवियर को स्टडी करने के जो मेथड्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे. एंड देन योर सेक्शन सी इज़ अबाउट बायोस्टैटिस्टिक्स, कि स्टैटिस्टिक्स जो है उसका बायोलॉजी के फील्ड में क्या एप्लीकेशन है. उसके लिए हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, डेटा जो होता है उसको प्रेजेंट करने का जो टेबुलर मेथड होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ग्राफिकल मेथड ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे, प्लस हम पढ़ेंगे मीन, मोड, मीडियन की कैलकुलेशन वेरियस मेथड्स के द्वारा, एंड उसके बाद इनका स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेशन में किस तरह से यूज़ होता है वो सारा हम सी सेक्शन में पढ़ेंगे. दिस इज़ योर होल सिलेबस. वी विल स्टार्ट विद सेक्शन ए. And the first topic is वर्मीकल्चर. तो बच्चों, वर्मीकल्चर होता क्या है, सबसे पहले हमारे लिए ये बात जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. तो वर्मीकल्चर का मीनिंग है, वर्म स्टैंड्स फॉर वर्म्स, यानी कीट, एंड दिस वर्म वर्ड रेफर्स टू अर्थवर्म. ठीक है, तो अर्थवर्म्स जो हैं उनकी फार्मिंग करना, उनका कल्टिवेशन करना क्या कहलाता है, वर्मीकल्चर. क्यों किया जाता है अर्थवर्म्स का कल्चर या वर्मी कल्चर, तो दो पर्पज़ हैं, दोनों ही इकोनॉमिक बेनिफिट से रिलेटेड हैं. या तो जो फिशरमैन्स होते हैं जो कि फ़िशिंग करते हैं, वो एज ए बैट इसको यूज़ करते हैं अपने कांटे में, तो या तो उनको सेल करने के लिए, या फिर जो लोग कंपोस्ट बनाते हैं अर्थवर्म से, अर्थवर्म केंचुए की खाद जो बनाते हैं उनको कल्चर करने के लिए सेल किया जाता है. अब बात आती है वर्मी कंपोस्टिंग क्या है. जब हमने कंपोस्ट की बात करी है तो जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अर्थवर्म्स की हेल्प से अगर खाद बनाई जाती है तो उसे वर्मी कंपोस्ट और हिंदी में केंचुए की खाद कहते हैं. एक्चुअली वर्मी कंपोस्ट क्या है कि अर्थवर्म्स, आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं आई थिंक अर्थवर्म्स का किस तरह से उनका सारा सिस्टम होता है. तो अर्थवर्म्स जो हैं वो जो भी वेस्ट मटेरियल उनके सामने आता है लाइक सॉइल या फिर कोई गार्बेज, उसको इंजेस्ट करते हैं, यानी कि अंदर लेते हैं, खाते हैं,
और देन उसको वर्म कास्टिंग्स की फॉर्म में बाहर निकालते हैं। और ये जो कास्टिंग्स होती हैं यही कंपोस्ट कहलाती हैं या यही खाद होती हैं। एक्चुअली ये जो कास्टिंग्स होती हैं दीज आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड दीज ऑल्सो हैव हाई अमाउंट ऑफ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर अपन न्यूट्रिएंट रिच की बात कर रहे हैं तो आपकी जो ऑर्डिनरी खाद होती है, जनरल जो कंपोस्ट होती है, उसके कंपैरिजन में जो वर्मी कंपोस्ट होता है उसमें ऑलमोस्ट 20 टाइम्स ज़्यादा अमाउंट में जो आपका नाइट्रोजन पोटेशियम एंड फॉस्फोरस होता है। और जब वर्म्स जो हैं वो अगर अपन ज़मीन में छोड़ देंगे तो वो सॉइल को खाएंगे तो सॉइल जो होती है पॉली हो जाती है, सॉइल में एरेशन बढ़ जाता है, ठीक है, और प्लस उसकी क्वालिटी तो बढ़ती ही है। इसलिए अर्थवर्म्स को किसानों का मित्र, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर या फिर नेचर्स प्लाउमैन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अगर अपन वर्मी कंपोस्ट की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी अर्थवर्म स्पीसीज हैं जिनको वर्मी कंपोस्टिंग में काम में लिया जाता है। अर्थवर्म की सारी स्पीसीज से वर्मी कंपोस्ट नहीं बनाया जाता है, कुछ पर्टिकुलर स्पीसीज हैं। तो कुछ रेडवर्म स्पीसीज हैं जो कि मोस्ट कॉमनली अर्थवर्म से खाद बनाने में यूज़ किया जाता है, वर्मी कंपोस्टिंग के जो यूनिट्स हैं उनमें यूज़ किया जाता है। और रेडवर्म जो स्पीसीज हैं वो टेम्परेचर की एक पर्टिकुलर रेंज को ही टॉलरेट कर सकती हैं, दैट इज़ 20-30 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे ऊपर या नीचे टेम्परेचर होने पे ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर फ्लक्चुएशन ये टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो कौन कौन सी स्पीसीज हैं रेडवर्म्स की? वन इज आइसिनिया फटीडा, आइसिनिया एंड्रेई, लुम्ब्रिकस रूबेलस, ये सारी तो रेडवर्म स्पीसीज हैं। कुछ वार्मर क्लाइमेट की स्पीसीज भी हैं जो कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए काम में ली जाती हैं, दैट इज पेरियोनिक्स एक्सकेवेटस एंड एंड्रिलस यूजीरेनियरी। दीज टू स्पीसीज आर फॉर वार्मर क्लाइमेट्स एंड दीज थ्री स्पीसीज आर फॉर नॉर्मल टेम्परेचर रेंज, दैट इज 20-30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ऊपर जो दो डायग्राम दिख रहे हैं आपको ये रेडवर्म स्पीसीज के हैं एंड दिस वन इज फॉर पेरियोनिक्स एक्सकेवेटस। देन बात आती है कि अर्थवर्म जो वर्मी कल्चर के लिए यूज किए जाते हैं तो कौन कौन से रॉ मटेरियल को अपन कल्चर के रूप में काम में ले सकते हैं, किस किस को अपन अर्थवर्म की खाद बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि अपने जो क्रॉप रेजिड्यूज़ है यानी फसलों का जो वेस्ट है, खेती का जो वेस्ट है, वो सारा हम अर्थवर्म से खाद बनाने में यूज़ कर सकते हैं। पेपर जितना वेस्ट है, कागज़ का जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है, वो सारा यूज़ कर सकते हैं। कैटल डंग, पशुओं का जो गोबर है उसको यूज़ कर सकते हो, सॉ डस्ट वगैरह यूज़ कर सकते हैं, किचन वेस्ट यूज़ कर सकते हैं, गार्डन से जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको यूज़ कर सकते हैं, बायोगैस प्लांट से जो स्लरी निकलती है बायोगैस बनाने के बाद उसको यूज कर सकते हैं, और बाकी जो भी कोई बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आपको नज़र आते हैं उन सारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अपन वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट में डाल सकते हैं खाद बनने के लिए। अब बात आती है कि क्या मेथड होता है अर्थवर्म को कल्चर करने का या वर्मी कंपोस्टिंग का। तो सबसे पहले हमें एक प्रॉपर साइज का कंटेनर सेलेक्ट करना होता है जिसका साइज सही हो, प्रॉपर साइज का कंटेनर सेलेक्ट करना होता है, ठीक है, यानी कि ना बहुत ज़्यादा ऊंचा हो ना बहुत ज़्यादा छिछला हो। प्लस हमें एक प्रॉपर साइट चूज करनी होती है क्योंकि अर्थवर्म जो होते हैं वो धूप में नहीं रह सकते हैं, तो शेडिंग होनी चाहिए जिस जगह पे हम कंपोस्ट यूनिट लगा रहे हैं वहाँ पे छांव होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब अपन बात करते हैं तो सबसे पहले जो कंटेनर हमने सेलेक्ट किया है उसके बेस पे एक वर्मी बेड बनाया जाता है जो लगभग 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का होता है या थिकनेस का होता है। उसके अंदर आप जो भी आपका एग्रीकल्चरल वेस्ट है या फिर धान के खेतों का या फिर शुगर केन के जो ट्रेसेस होते हैं उनका या ओल्ड पेपर्स का, इनको डाल के एक पूरा बेड बना देते हो। 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। फिर उसके ऊपर एक सॉइल की लेयर लगा देते हैं पतली सी, 2-3 सेंटीमीटर्स की मिट्टी बिछा देते हैं।
अब इसको अपन गीला करते हैं, यानी उस पर पानी डालते हैं। पानी डालेंगे तो अंदर जो भी मटेरियल है वो सारा का सारा जो मटेरियल है वो सड़ना शुरू होगा, गलना शुरू होगा, उसमें से हीट प्रोड्यूस होगी। पानी और हीट मिलके ह्यूमिडिटी बना देंगे और अपना जो एनवायरनमेंट है, जो कंटेनर है, उसमें हमें ऑलमोस्ट 40-45% रिलेटिव ह्यूमिडिटी प्राप्त हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में अपन जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, चाहे आपका किचन का वेस्ट हो, चाहे गार्डन वेस्ट हो, चाहे एग्रीकल्चरल वेस्ट हो, चाहे काउडंग हो, या फिर बायोगैस प्लांट से निकली हुई स्लरी हो, या कोई और बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हो, उनको अपन इस वर्मी बेड के ऊपर स्प्रेड करेंगे और इसको छोड़ देंगे लगभग लगभग 2 वीक के लिए, और टाइम टू टाइम इसको गीला करते रहेंगे। गीला करने से क्या होगा कि वही इसका डिग्रेडेशन शुरू होगा। डिग्रेडेशन शुरू होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। डिग्रेडेशन इन द सेंस कि इसके अंदर गर्मी उत्पन्न हो जाएगी गीला करने पे, क्योंकि बाहर टेम्परेचर है, ऊपर से तुमने ड्राई वेस्ट को गीला किया है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब इसको थोड़ा पानी का छिड़काव कर करके ठंडा करेंगे पानी, यानी कि या तो आप गीले कट्टे भी डाल सकते हो इसके ऊपर, बोरी जूट के बैग्स डाल सकते हो, या फिर लगातार दिन में 2-3 बार थोड़ा 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 पानी का छिड़काव करेंगे तो उसका टेम्परेचर डाउन आ जाएगा। जब टेम्परेचर ऑलमोस्ट 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो हम इसमें वर्म्स को इनोकुलेट करते हैं, अर्थवर्म डालते हैं, और अर्थवर्म की जो क्वांटिटी होती है उसका हिसाब कुछ ऐसा होता है कि अगर हमने 100 kg वेस्ट डाला है, अमाउंट ऑफ वेस्ट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पिट, ठीक है, तो अगर हमने 100 kg वेस्ट डाला तो उसमें कम से कम 500 अर्थवर्म्स होने हमें इनोकुलेट करने होते हैं। अर्थवर्म्स को इनोकुलेट करने के बाद में हम इसको कवर कर देते हैं और टाइम टू टाइम इस पर हम पानी का छिड़काव करते रहते हैं ताकि नमी बरकरार रहे, और इसको लगभग 60 दिन के लिए छोड़ देते हैं, 60 डेज के लिए हम छोड़ देते हैं। 60 डेज में आपका जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो अच्छी तरह से कंपोस्ट में बदल चुका होता है, उसका कंप्लीट डाइजेशन अर्थवर्म के द्वारा किया जा चुका होता है, और अब इसमें से हमें वर्मी कंपोस्ट में से अर्थवर्म्स को सेपरेट करना होता है ताकि हम इस कंपोस्ट को यूज़ कर सकें। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो भी हमारा पिट है उसमें से हम इस कंपोस्ट को निकालेंगे और जो धूप वाला एरिया होता है वहाँ पे एक दरी, तिरपाल, चट्टाई कुछ बिछाएंगे, प्लास्टिक पेपर, और उसके ऊपर उस वर्मी कंपोस्ट का ढेर बनाएंगे। बाहर धूप लगेगी तो अर्थवर्म्स क्या करेंगे, लगभग लगभग सारे के सारे जो हैं वो ज़मीन में जाना शुरू हो जाएंगे, यानी कि जो उसका आपकी चटाई का जो बेस है वहाँ आ जाएंगे, खाद का जो ढेर लगा उसके पैंदे में आ जाएंगे। ऊपर से हम कंपोस्ट को हटा लेंगे और जो अर्थवर्म्स हैं उनको हम नेक्स्ट इनोक्यूलम में ले जाने के लिए रेडी करेंगे। इसके लिए हम पहले से ही एक दूसरा वर्मी बेड बना के तैयार रखेंगे, जिसको कि हमने टेम्परेचर वगैरह सेट कर लिया है, कूल टेम्परेचर करके रखा हुआ है, उस पर इन अर्थवर्म्स को इनोकुलेट कर देंगे। इस तरह से ये साइकिल चलता रहेगा। अब बात आती है कि वर्मी कंपोस्टिंग के मेरिट्स क्या हैं। तो सबसे पहली बात है कि ये नेचुरल फर्टिलाइज़र है, इसलिए ये क्या है, इको फ्रेंडली है। दूसरी बात होती है कि ये एनवायरनमेंट पे कोई एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं डालता है, ना सॉइल क्वालिटी पे, ना आपके पर्यावरण पे, ना आपके प्लांट्स की सेहत पे कोई एडवर्स इफ़ेक्ट डालता है। और हम पहले ही बात कर चुके हैं एनपीके की, कि इसमें बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में एनपीके होता है, प्लस अर्थवर्म्स जो हैं वो मिट्टी का एरेशन कर देते हैं, पोला कर देते हैं ताकि उसमें से गैसेस पास होती रहें। उसके अलावा सॉइल की जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है उसको बढ़ाते हैं, प्लस क्या करते हैं कि जो रूट ग्रोथ होती है प्लांट्स की उसको प्रमोट करते हैं, और प्लांट्स के द्वारा न्यूट्रिएंट के अब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी होती है उसको इन्हांस करते हैं। साथ ही साथ जो आपकी सॉइल होती है उसके बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि मैंने बात करी एनपीके की, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों का ही जो रेशियो है उसको इम्प्रूव कर देता है वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग के लिए या फिर अर्थवर्म कल्चर के लिए हमारे पास
कुछ सेफ्टी मेजर्स का हमें ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात है कि पिट, जो मैं बात कर चुकी हूँ पहले, कि डायरेक्ट धूप में नहीं होना चाहिए, शेडेड जगह पे होना चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट को एक्सपोज नहीं होना चाहिए। प्लस हमें ध्यान रखना होता है कि जो अटैकर्स हैं, जैसे कि बर्ड्स हैं, चींटी होते हैं, चूहे एट्सेट्रा जो हैं, वो अर्थवर्म्स को खा जाते हैं, तो हमें इनसे इनकी सुरक्षा करनी होती है। प्लस मॉइस्चर का हमें बहुत ध्यान रखना होता है, रेगुलरली हमें उसको मॉइस्ट रखना होता है, उस पर पानी का छिड़काव करते रहना होता है, अदरवाइज उसमें गर्म टेम्परेचर बढ़ जाएगा यूनिट में, और टेम्परेचर बढ़ने पर अर्थवर्म मर जाएंगे। सो इट वॉज ऑल अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग। थैंक यू।